सैफी रोशन ऑफिशियल चैनल। मैं जा रहा हूँ कावासाकी Z900 लेने, बंदा कब आता है उसको देखना है और उसके बाद उससे आगे बाइक उठानी है। चले आज आपके भाई की बाइक जा रही है। तो जब भी यहाँ पर आओ इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में ट्राई मत करना, पैसे खराब हो जाएंगे, टाइम भी खराब होगा। आज आपके भाई की बाइक जा रही है। आज हम आए हैं अब वाली बाइक तो भेज दी, अब ये अब मैं स्टेशन से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कावासाकी Z900 लेने, बंदा कब आता है उसको देखना है और उसके बाद उससे आगे बाइक उठानी है। चले निकलते हैं बाहर। अच्छा ये पेरिस है, यहाँ स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं तो उससे जो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और उसके बाद देखना होगा कि बंदा सच में जेन्युइन है कि नहीं है, कि उसने बोला है बाइक से 2000 किलोमीटर चली हुई है और अभी से जो है वो कैश डिमांड कर रहा है कि चेक नहीं लूंगा और बैंक कार्ड से नहीं लूंगा, बैंक ट्रांसफर से। तो देखते हैं क्या चलता है, कैसे आगे प्रोसेस होता है, इंतजार कर रहा हूँ फिलहाल उसका, वो आता है फिर बात करते हैं। ये यहाँ की स्ट्रीट मार्केट्स हैं जो कि अभी खत्म हो रही है और इसको उठा रहे हैं, और इसी में आप गंदगी देख रहे हैं ना, जैसे ही ये सारे खत्म होंगे, मिसाल 2 बजे खत्म हो गए, शाम 4 बजे तक जो है ये सारा का सारा ऐसा साफ हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर भी कुछ कूड़ा था। चले बंदा तो आया नहीं और बाइक की डील भी नहीं हो पाई क्योंकि बंदा स्कैमर था, कैश मांग रहा था और वो कैश मांग के जो है क्या करता कैसे जाता, बाइक थी नहीं थी उसके पास कुछ नहीं पता था। तो फिलहाल जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है आजू बाजू पैसे दिखा देता हूँ फिर निकलते हैं वापस, इतना लंबा है तो थोड़ा कुछ करके ही जाए। पेरिस में मोबाइल्स और छोटे मोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, जो कि आपको हैंड ओवर किए जाते हैं कैश के थ्रू, उसमें स्कैम बहुत ज़्यादा है। मगर बाइक पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें भी कोई कुछ कर सकता है, मगर इन क्या करता क्या नहीं करता, मैंने कैश के लिए साफ मना कर दिया तो वो बंदा आया ही नहीं। अब इनका क्या था कैसे ये स्कैम करते कुछ नहीं पता, मगर जब भी पेरिस आए स्कैमर से बहुत सावधान, बहुत ज़्यादा आया। ये जगह वही एंटर होते ही जो है ऐसा लगा रेस्टोरेंट है, मगर इसके बीच में से ऐसा रास्ता जा रहा है और ये आगे जाके निकलेगा स्टोर्स पे। ये जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो एंट्री के बाद जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, देखने कितना बड़ा है, और फिर यहाँ पे जो है ये कॉरिडोर स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पर बाकी सारे स्टोर्स हैं। पेरिस कभी भी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहुत आता हूँ यहाँ पे मगर कभी पूरा नहीं घूमा, ये जगह मेरे लिए नहीं है, नया एक्सपीरियंस है। पेरिस वो जगह है जहाँ पर मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं इस तरीके के, जैसे आज मेरे साथ हुआ है। मैं यहाँ बाइक लेने आया था अपनी बाइक बेचने के बाद, यहाँ Z900 कावासाकी, मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वो बंदा जो था वो कैश ट्रांजैक्शन के पीछे था, और दूसरा जब उसको बोला बैंक ट्रांसफ़र और चेक तो उसने जो है साफ इनकार कर दिया लास्ट टाइम पर आने से ही, और वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये स्कैम जो है पेरिस में बहुत आम है, इससे पहले भी ये चीज़ यहाँ पर मेरे साथ हुई है, हालांकि कभी नुकसान नहीं हुआ, मगर ये स्कैम यहाँ बहुत आम है। और दूसरी गलती मैंने ये करी कि उसके इंतज़ार के टाइम पर मैं चला गया यहाँ पर खाना खाने, और खाना भी मैंने खाया इंडियन रेस्टोरेंट में, मगर गलती ये करी, मुझे लगा चलो वहाँ का टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपनी सिटी मिलता नहीं है, पेरिस में हर कंट्री का फ्लेवर मिल जाता है। मगर जब भी यहाँ पर आओ तो यहाँ की चीज़ खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टर्किश मोरक्को के लोग के रेस्टोरेंट में खाना खा लो, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में ट्राई मत करना, टेस्ट बहुत बुरा मिलेगा, पैसे ख़राब हो जाएंगे, टाइम भी ख़राब होगा। मैं तो पूरा तैयार आया था, हेलमेट, बाइक जैकेट, शूज़, सब कुछ तैयार डाल के, कि सर्दी का टाइम है, ठंड लगेगी, तैयार होकर जाओ, मगर वापिस ट्रेन में चलते हैं, नई बाइक तलाश करता हूँ और फिर उसके बाद उस बाइक को लेने चलेंगे और
फिर देखते हैं उसको अगली बार जो है ना, पहले देख के चलेंगे बंदे का, उसके बाद जाके मूव करेंगे और बाइक लेकर आएंगे। वापस चलते हैं ट्रेन में, बैठते और निकलते हैं यहाँ से वापस, बंदा तो आया नहीं। आपको पता है आज का दिन बड़ा मजेदार गया। सबसे पहले तो जिससे बाइक लेनी थी वो बंदा स्कैमर निकला, उसके बाद अब ट्रेन में पूरे दिन में जब मैं वापस आया तो निकलते वक्त एक स्टेशन मुझसे मिस हो गया, और अब मैं 200 किलोमीटर जाके वापस जा रहा हूँ 100 किलोमीटर, और फिर 100 किलोमीटर का कोई लेने आ रहा है मुझे। मैं आपको थोड़ा यहाँ के ट्रेन के सिस्टम के बारे में बताऊँ। ये जो ट्रेन होती है ना, ये 200 प्लस किसकी स्पीड होती है, 220 230 के अराउंड की स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, और इसके अंदर सिर्फ रिजर्वेशन पर सीट मिलती है। मगर जब मुझसे स्टेशन मिस हो गया ना, मतलब इन्होंने ट्रेन रोकी नहीं मेरे लिए कहीं पर भी, था क्योंकि जो लोग इस ट्रेन के लिए पे कर रहे हैं वो पे एक्स्ट्रा इसलिए कर रहे हैं कि वो जल्दी पहुंचे, अगर रुकते हैं तो वो उनका पैसा वेस्ट है। ये टाइम टू टाइम पहुंचती है, एक मिनट भी लेट नहीं होती, इसलिए किसी रुकती नहीं है। आज के दिन हालात हो गई बहुत खराब, थकान हो गई है बहुत ज्यादा, नया एक्सपीरियंस एडवेंचर हो गया बिना प्लान किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। Safety Roshan Official Channel.